अस्सलाम वालेकुम। बच्चों को आसान तरीके से समझाने के लिए EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का जो फ़र्क है वो बताने के लिए जो आसान कॉन्सेप्ट है वो ये है कि EMF बेसिकली वो रीडिंग है जो बैटरी के ऊपर मेंशन होती है। मिसाल के तौर पर मैं जो इस वक्त बैटरी इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर आप पढ़ सकें तो उस बैटरी के ऊपर यहाँ करके 12 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बैटरी के 12 वोल्ट्स मेंशन है इस जगह पर, ठीक है। तो ये जो बैटरी के ऊपर मेंशन है ना, ये बेसिकली इस बैटरी की EMF है। अब ये तो मेंशन है ऊपर, अब मैं जब चेक करूँगा ना बैटरी के टर्मिनल्स पर पोटेंशियल लगा कर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बैटरी के टर्मिनल से मैंने कनेक्शन लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो जब मैं बैटरी के टर्मिनल्स पर कनेक्शन लगाऊँगा और वोल्ट मीटर लगाकर चेक करूँगा, ये जो मैं चेक करूँगा ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, क्योंकि मैं बैटरी के टर्मिनल्स पर वोल्ट मीटर लगाकर चेक कर रहा हूँ। तो दोबारा कह देता हूँ कि EMF बेसिकली बैटरी के ऊपर जो आइडियल रीडिंग मौजूद है, जो लिखी हुई है वो है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो मेजरमेंट है जो मैं बैटरी के टर्मिनल से लेता हूँ वोल्ट मीटर के ज़रिए। अब होता क्या, मैंने आपको बैटरी के स्टिकर के ऊपर लिखा दिखाया कि बैटरी के ऊपर लिखा तकरीबन 12 वोल्ट, ये 12 एग्जैक्ट नहीं होता, 12.5 12.6 वोल्ट होती है, ये तो EMF हो गई जो बैटरी के ऊपर लिखी थी। अब मैं चेक करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर जैसे ही ये कनेक्शन किया तो मैंने देखा ये 12.8 वोल्ट्स आ रहे हैं। आपके पास शायद उल्टा जो है वो नज़र आ रहा हो, क्योंकि मैं इस वक्त फ्रंट कैम यूज़ कर रहा हूँ। बहरहाल ये 12.8 आ रहे हैं, यानी बैटरी जितने वोल्ट्स की है उसके टर्मिनल्स पर वाकई में इतने वोल्टेज आ रहे हैं। तो मैं कहूँगा टर्मिनल पोटेंशियल, यानी ये जो मेरा वोल्ट मीटर बता रहा है, वो बराबर होगा बैटरी के ऊपर जो रीडिंग है यानी EMF के। लेकिन ऐसा कब होगा, जब मैंने अभी तक लोड नहीं लगाया। अब ज़रा इमेजिन करें, मैं एक लोड ऑन कर देता हूँ। जब मैं ऐसा करूँगा, एक लोड ऑन कर दिया, तो अब आप देखेंगे कि बैटरी के ऊपर जो रीडिंग है वो 12 है, यानी बैटरी के ऊपर जो टर्मिनल्स पर पोटेंशियल है, हालांकि बैटरी 12.6 वोल्ट की है लेकिन उसके टर्मिनल्स पर पूरे 12.6 वोल्ट नहीं आ रहे, या 12.8 वोल्ट नहीं आ रहे, बल्कि 12 वोल्ट आ रहे हैं। वो 0.8 वोल्ट कहाँ गया, वो 0.8 वोल्ट जो है वो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो यूज़ कर गई, और उसको मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। अगर मैं बैटरी को हाथ लगाऊँ तो मैं देखता हूँ बैटरी कुछ गर्म हो गई है, इसका पता चल रहा है कि बैटरी के अंदर कुछ एनर्जी लॉस हो रही है। अच्छा, अगर मैं मज़ीद लोड जो है वो आपके सामने रखूँ, तो आप देखेंगे कि मज़ीद लोड लगने पर बैटरी के टर्मिनल्स पर पोटेंशियल और कम हो गया, यानी कि जैसे करंट बढ़ता है या बैटरी को ज़्यादा करंट देना पड़ता है, तो बैटरी फिर आपको उतने पोटेंशियल नहीं दे पाती जिसके लिए वो बनी है, यानी टर्मिनल्स पर जो पोटेंशियल है वो EMF से मज़ीद कम हो गया। और बिल्कुल इसी तरह से जैसे जैसे मैं लोड बढ़ाता जाऊँगा, आप देखेंगे मेरे वोल्ट मीटर पर जो रीडिंग है वो कम होती जा रही है। देखिए ये 10.5 हो गई, ठीक है, और अब ये 10.2 रह गई। तो इसका मतलब स्टार्ट में ये 12.8 वोल्ट्स बता रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने इससे ज़्यादा करंट लेना शुरू कर दिया तो इस पर जो टर्मिनल्स पर पोटेंशियल है वो कम होना शुरू हो गया, यानी कि करंट बढ़ने से टर्मिनल्स पर पोटेंशियल कम होता है, क्योंकि आप ज़्यादा करंट ले रहे हैं तो करंट ज़्यादा होगा तो बैटरी जो है वो ज़्यादा गर्म होगी, तो उसके अंदर ज़्यादा इंटरनल लॉसेज होंगे। इस वजह से हम कहते हैं कि जब भी आपका लोड चल रहा हो, जैसे कि ये बल्ब जल रहे हैं, उस वक्त जो बैटरी के ऊपर लिखा आता है जो वोल्ट मीटर के ऊपर रीडिंग आती है, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो आपकी बैटरी की जो रीडिंग है जो कि 12.8 थी उससे कम होगी। लेकिन अगर मैं सारे जो हमारे लोड हैं उनको उतार दूं, तो फिर आप देखेंगे फिर बैटरी के टर्मिनल्स पर उतना ही वोल्टेज आ रहा होगा जितना उसके स्टीकर के ऊपर लिखा हुआ है, यानी जिसके लिए वो बनी है। तो फिर मैं कहूँगा कि टर्मिनल्स पर पोटेंशियल EMF के बराबर होगा अगर लोड नहीं लगा, और अगर लोड लगा हो तो फिर टर्मिनल्स पर पोटेंशियल EMF से कम होगा, और जितना ज़्यादा लोड लगा होगा उतना टर्मिनल्स पर पोटेंशियल EMF से मज़ीद कम होता जाएगा। ऐसे ही कुछ वापडा के केस में भी होता है, जब पूरे मोहल्ले वाले AC ऑन कर लेते हैं तो लोड बढ़ जाता है, ज़्यादा करंट पूरा मोहल्ला खींच रहा होता है, जिसकी वजह से जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाते हैं, और आप देखते हैं कि लोड शेडिंग के ज़माने में अक्सर ऐसा होता है, शदीद गर्मियों में वोल्टेज ड्रॉप कर जाता है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है।